रेवाड़ी में HSSC परीक्षा के चलते 3 दिनों के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर बाजारों को कराया गया बंद। दुकानदारों ने प्रशासन के फैसले को बताया गलत। बाजार बंद के आदेश से दुकानदारों में भारी रोष। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बाजार खुलवाने की गई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा प्रदेश भर में रविवार से पुलिस कांस्टेबल GD भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। यह परीक्षाएं 3 दिनों तक रविवार 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेंगी। HSSC परीक्षा के लिए प्रदेश भर में अनेक परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा को शांतिपूर्वक और नकल रहित संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। रेवाड़ी में 38 परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। वहीं इन सब के बीच परीक्षा केंद्र के आसपास की दुकान बंद करने के आदेश भी दिए हुए हैं, जो व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। रेवाड़ी में शहर के बीचों बीच स्थित गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा को नकल रहित संपन्न कराने के लिए इस बार HSC द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेवाड़ी के बॉयज स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाए जाने से भाड़ावास गेट बाजार की दुकानें बंद करवाई गई हैं, जिसके चलते व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। व्यापारी को कहना है कि दीपावली का त्यौहार सिर पर है और इस त्योहारी सीजन में प्रशासन की ओर से दुकानें बंद करने का आदेश बिल्कुल भी न्याय उचित नहीं है। भाड़ा गेट बाजार एसोसिएशन के प्रधान राजेश सैनी और व्यापारी जितेंद्र, भूपेंद्र और जगदीश आदि ने बताया कि प्रशासन को शहर के बीचों बीच परीक्षा केंद्र नहीं बनाने चाहिए थे, क्योंकि त्योहारी सीजन है। दुकानदार पहले से ही कोरोना में लॉकडाउन के कारण मंदी की मार झेल चुका है। लंबे समय से काम धंधे चौपट पड़े थे, अब कहीं जाकर कोरोना का असर कम हुआ है तो देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आने लगी है। एक तो त्योहारी सीजन, ऊपर से काम धंधा बंद, यह लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन रहा है। इसी के खिलाफ व्यापारियों में भारी रोष, जिसके चलते आज भाड़ावास गेट बाजार एसोसिएशन के व्यापारी प्रधान राजेश कुमार सैनी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर सचिवालय पहुंचे और प्रशासन से बाजार खुलवाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए था कि परीक्षा केंद्र यहां बाजार के बीच ना बनाया जाए। अगर परीक्षा केंद्र बनाया गया है तो उसका रास्ता दूसरी साइड से किया जाना चाहिए था, ताकि लोगों के काम धंधे पर इसका असर न पड़े। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन पर दुकान अब बंद रहेंगी तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रशासन से अपील की है कि दुकानों को बंद ना करवाया जाए और परीक्षा केंद्र का रास्ता दूसरी तरफ से किया जाए, ताकि उनका काम भी चलता रहे और परीक्षा में भी किसी तरह की कोई रुकावट पैदा न हो सके। ऐसा पहली बार हो रहा है जब त्योहारी सीजन में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिससे व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने प्रधान राजेश कुमार सैनी, भूपेंद्र, जितेंद्र और जगदीश से बात की। तो आइए चलते हैं संवाददाता राजेश शर्मा की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाड़ावास गेट की जो जितनी भी दुकानें बंद है उनको खुलवाया जाए। एग्जाम के लिए ये नहीं है कि भाई दुकान को बंद कर दिया जाए, मार्केट को बंद कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से आश्वासन लेने आए हैं कि भाई हमारी मार्केट को खोला जाए। इसमें अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश है तो स्कूल के बैक साइड गेट है, उधर से एंट्री करे जाए और सारी पुलिस फोर्स स्कूल के अंदर ड्यूटी लगाई जाए, ना कि मार्केट को बंद किया जाए। और ऊपर से दिवाली आई हुई है, सभी दुकानदारों ने अपना माल लिया हुआ है, अब भाई 2 पैसे कमाने के लिए, अब वो दुकानदार उस माल को कहाँ लेके जाएगा। ये मैं सरकार से, प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट को खोला जाए, 3 दिन मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए कर रखी है कि हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती है, और जबकि ये मार्केट के अंदर, प्रशासन को पता है कि स्कूल मार्केट के अंदर है, तो ये सेंटर ही नहीं होना चाहिए था। ये प्रशासन ने कहना चाहिए था कि भाई ये सेंटर नहीं होना चाहिए, ये मार्केट के अंदर है, या फिर मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान राजेश सैनी, DC ऑफिस का पता नहीं क्या आदेश है कि 3 दिन के लिए बाजार बंद बता रहे हैं। दिवाली का टाइम है, लोगों ने अपने माल भर रखा है, 3 दिन मार्केट फेल होगी तो हम कहाँ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे सब। हम प्रशासन से यही उम्मीद लेके आए कि हमारी मार्केट खुलवाई जाए। स्कूल के पीछे से रास्ता है,
उधर से इनका आवागमन कराया जाए, इधर का गेट बंद करवा के मार्केट खुलवाई जाए। एग्जाम चल रहे हैं, कांस्टेबल की भर्ती का एग्जाम चल रहे हैं, 3 दिन तक तो ये एग्जाम है, तो 3 दिन बाजार बंद थोड़ी नहीं रहेगा जी। 3 दिन में तो बहुत बुरा लग जाएगा, दिवाली का त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, इस त्यौहार पे फिर हम भूखे मर जाएंगे। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो अब हरियाणा पुलिस के जो पेपर हो रहे हैं उसको आगे के मेन गेट से करवाने के बजाय पीछे के गेट से करवाया जाए, और हमने मार्केट वालों ने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया, इस बार भी करेंगे और इस बार त्यौहार को देखते हुए हमारी मदद की जाए। सरकार के नियम के हिसाब से तो 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक दुकानें बंद हैं, यही टाइम दुकान खोलने का होता है और यही हमारा व्यापार का होता है, और समाधान यही है कि पीछे का गेट खोला जाए, यही मार्केट खोली जाए हमारी, इसका अल्टरनेट मौजूद है कर दिए जाए, जैसे सब भाइयों की राय है हमारे, जो चीज़ हो सकती है जिसका अल्टरनेट मौजूद है, और त्यौहार का मौसम है, हमारा त्यौहार खराब ना करा जाए आगे के टाइम में। बिल्कुल जी, कोविड की वजह से पूरा व्यापार ठप पड़ा है, उससे उबरने में बहुत टाइम लग रहा है पहले, और इस तरह से दुकानें बंद रही तो हमारा पीछे परिवार ही बर्बाद हो गया।